जिला प्रशासन पटना के दीघा से दीदारगंज तक बनने वाले मरीन ड्राइव में अब एक नया मोड़ सामने आ गया है। दरअसल किसानों ने इस काम को रुकवा दिया है। ये मामला मालासलामी थाना क्षेत्र के रिकावगंज गंगा मंदिर घाट का बताया जा रहा है, जहां मरीन ड्राइव के निर्माण में लगे जेसीबी मशीन को काम करने से किसानों ने रोक दिया। गंगा मंदिर घाट पर किसानों के फसल लगे 21 बीघा रेती जमीन पर जिला प्रशासन के आदेश पर अधिग्रहित किए गए जमीन को जाने से किसानों में आक्रोश है। इसके विरोध में किसानों ने बुलडोजर और जेसीबी मशीन से हो रहे कार्य को बंद कराकर हंगामा किया है, साथ ही जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। पीड़ित किसानों का कहना है कि जमीन के लगाए जाने के बाद भी सरकार और जिला प्रशासन की टीम गंगा पथ बनाने के नाम पर बिना मुआवजा दिए किसानों की जमीन को अधिग्रहण कर रही है। पीड़ित किसानों ने बताया कि सरकार की विकास योजना में कोई बाधा नहीं पहुंचाना चाह रहे हैं, पर सरकार बिना मुआवजा दिए फसल लगे खेत पर बुलडोजर और जेबीसी मशीन लगाकर फसलों को बर्बाद कर रही है और न ही जमीन का मुआवजा दे रही है, जबकि जमीन अधिग्रहण मामले में हाईकोर्ट से किसानों के पक्ष में फैसला सुनाया गया है। यह मौजा जफराबाद टोक थाना नंबर 346, यह मालिकाना था। मालिक को जब जमींदारी उन्मूलन हुआ अपना, वह रिटर्न सरकार को लौटा दिया रैयत के बंदोबस्त करते हुए। रैयत इस पर शुरू से काबिज है। 1970-72 तक हम लोग अपना रसीद सरकारी कटाते आए हैं, 72 से रसीद काटना बंद हो गया। वह कहा कि यह बिहार सरकार के खाता पर चला गया है। मैं रामजी प्रसाद, मेरा टाइटल सूट नंबर है 172/91 कार्यालय में गए पटना कोर्ट का, सिविल कोर्ट में। सिविल कोर्ट से हमने डिग्री करा लिया। अंचलाधिकारी जिला समाहर्ता के आदेश अनुसार हमने अपना लगान निर्धारण करके 2023 तक अपना जमीन का मुआवजा देते आ रहे हैं। 2012 में सरकार क्या किया मुझे कोई पता नहीं, और जिला प्रशासन का कहना है कि यह जमीन सरकार की है। मेरे जमीन पर सरकार का कोई अधिकार नहीं बनता है। हमने हाई कोर्ट में चले गए, 2015 में हाई कोर्ट गए। मेरा केस नंबर हाई कोर्ट का है 10702 के पक्ष में हाई कोर्ट ने फैसला दिया है, जिसको जिला प्रशासन नहीं समझ रहे हैं, नहीं माने। हमारे पक्ष में हुआ है फैसला कि जमीन लेना है तो क्या कहता है, प्रक्रिया के साथ जमीन अधिग्रहण करे और मुआवजा दे, इसके बाद आप किसी के जमीन पर कुछ काम कर सकते हैं। कितना जमीन है? नहीं मिला मेरे जमीन 21 बीघा का रकबा है। कितने लोगों का? अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग प्रशासन प्रक्रिया के साथ आएगा, हम लोग सरकार को जमीन देंगे, बशर्ते कि समय चाहते हैं जमीन का मुआवजा मिलना चाहिए। बहरहाल दीघा से दीदारगंज तक बनने वाले मरीन ड्राइव में अब एक नया बखेड़ा सामने आ गया है। किसानों ने इस काम को रोकवा दिया है। अब देखना अहम होगा कि प्रशासन इसको लेकर क्या करता है और सरकार किसानों के इस हंगामे के बाद क्या रुख अपनाती है।